नमस्कार। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सितारा महानायक जिसका नाम था पृथ्वीराज कपूर और जिसको दुनिया ने बाद में अकबर के रूप में जाने लगा। अकबर मींस पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वीराज कपूर मींस अकबर। मुगले आजम में जो अकबर की भूमिका उन्होंने निभाई, अकबर को जिंदा कर दिया, जीवंत कर दिया। पेशावर के थे, पठानों की तरह जिंदगी जीते थे और बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था। बंबई में एक्स्ट्रा की तरह एक्टिंग चालू की और एक रेयर कलाकार थे कि जिन्होंने मूक फिल्मों में, जब बोलती नहीं थी फिल्में, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में, उसके बाद कलर्ड फिल्मों में, तीनों फिल्मों में आपने काम किया। और यह परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को, वो कमाल है। बड़े बाप का बड़ा बेटा बनना बहुत मुश्किल होता है, पर राज कपूर ने अपने बाप से ज्यादा नाम कमाकर ये उस उक्ति को गलत ठहराया। उसके बाद उनके बेटे ऋषि कपूर ने उनसे भी ज्यादा नाम कमाया और आज ऋषि कपूर का बेटा भी उनसे ज्यादा नाम कमा रहा है। चौथी पीढ़ी तक कोई अगर कला और संस्कृति के अंदर कोई कलाकार की पीढ़ी चली है तो वो कपूर खानदान की। और पृथ्वीराज कपूर पूरे बॉलीवुड के अंदर भापा जी कहलाते थे। भापा जी पंजाब में बड़े भाई को कहते हैं। आपने थिएटर बनाया, पृथ्वी थिएटर, और उसको अपने बच्चों की तरह रखा, वहां के लोगों को बच्चों की तरह प्यार दिया। और इस देश में अगर थिएटर जिंदा है तो सिर्फ पृथ्वीराज कपूर के कारण।